कंपनीज कस्टमर्स को लुभाने के लिए किसी फेस्टिवल या ओकेजन का भी वेट नहीं करती, बल्कि आजकल तो ओकेजन जबरदस्ती बना दिए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लोग पहले से ही अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हैं और सेल लगते ही वो चीजें खरीद लेते हैं ताकि उनके मनपसंद प्रोडक्ट्स पे उनको अच्छी डील मिल सके। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप ठगी का शिकार हो रहे हैं बम्पर छूट के नाम पर। आइए जानते हैं कैसे। 50-60-70% तक ऑफ, बड़े बड़े सेल के चक्कर में कई लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उनको जरूरत ही नहीं होती। कई बार ऑनलाइन साइट्स पर प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाकर उन पर डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे उसका दाम सेम ही रहता है, लेकिन लोगों को लगता है कि उन्हें सामान सस्ते में मिल गया। फ्री शिपिंग के ऑफर भी दिए जाते हैं। प्रोडक्ट पर 99, 199, 599 लिखा जाता है, जिससे सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। साथ ही कस्टमर्स का मोबाइल और ईमेल मांगा जाता है। इसके अलावा कैशलेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और नो कॉस्ट EMI का झांसा देकर भी सेल के नाम पर कस्टमर को आसानी से ठगा जाता है। इसलिए आप सिर्फ वही सामान खरीदें जिसकी आपको जरूरत है। हमेशा चेक करें कि फेस्टिव सीजन में प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर कैशबैक का ऑफर तो नहीं दिया जा रहा है। कॉम्बो ऑफर देखकर जरूरत से ज्यादा सामान न खरीदें। प्रोडक्ट रिव्यू के झांसे में न आएं। प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी को चेक करें। नो कॉस्ट EMI वाले प्रोडक्ट की ऑफलाइन कीमत भी चेक करें। सेल में शॉपिंग करने पे कई बार आपको अच्छी डील भी मिल जाती है। डिस्काउंट ऑफर पर प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले उसके प्राइस को अलग अलग वेबसाइट्स और शॉप्स पे चेक करें। अगर कम चीजें खरीदनी है तो कार्ट या ट्रॉली न लें, क्योंकि सामान हाथ में रखेंगे तो कम चीजें ही खरीद पाएंगे। इनकॉग्निटो मोड पर शॉपिंग करें और रिटेल आउटलेट या फिर मॉल के काउंटर पर ऐप्स को डाउनलोड करने को कहा जाता है, तो इनको बिल्कुल डाउनलोड न करें।